भाई और बहनों, सबसे पहले स्वदेशी बाजार का जो शुभारंभ हुआ है, इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से इस माध्यम से काफ़ी लोगों को सहयोग भी मिलेगा और अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर भी प्राप्त होगा। हमारे देश में अच्छा अच्छा काम करने वाले अनेक अच्छे लोग हैं, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, पर वो मार्केट जो है वो उनको नहीं मिल पाता। और जब वो कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो ग्राहक में जाने तक उसमें इतनी लेयर होती है कि स्वाभाविक रूप से कमीशन जो है सब लोगों ने बीच में लेने के कारण वो चीज़ की कीमत भी बढ़ जाती है। मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसकी एक्सपेंडिचर कॉस्ट काफ़ी कम होती है। एक 10-15 दिन पहले मैंने अमेज़न का एक कार्यक्रम में उनका इसका साइट का इनॉग्रेशन किया था। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि भारत के छोटे छोटे एमएसएमई के द्वारा कुछ वस्तुओं को तैयार करके जो एक्सपोर्ट अमेज़न कर रहा है, उसका टोटल टर्नओवर साल भर का 60,000 करोड़ है। जो चीज़ अमेज़न कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। और ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट को अपने साइट पर रखकर हम निश्चित रूप से उसका मार्केट प्रभावी रूप से कर सकेंगे। और आज एमएसएमई के द्वारा विशेष रूप से हमारे कुम्हार है, लोहार है, या विशेष एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा भी ऐसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं और इन प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड है। पर इन प्रोडक्ट के बारे में मार्केट अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी और ये सब करने के बाद उनका सेल और बढ़ सकता है। विशेष रूप से हमारी महिला उद्योजिका जो है, मुझे याद है कि हमारी सुपर बाज़ार जो है लक्ष्मी नगर में और मनीष नगर में, तो हमने ये महिलाओं को विशेष रूप से अचार बनाना, पापड़, अलग अलग प्रकार की छोटी चीज़ों के बारे में उनके प्रोडक्ट्स को हमने बेचना शुरू किया और क्वालिटी भी अच्छी है, तो काफ़ी महिलाओं को उससे आधार भी मिला और लोगों को प्रोडक्ट भी सस्ता मिला। तो मुझे यही लगता है कि आज इस प्रकार से अगर मार्केट अवेलेबल होगा तो महिला बचत गट जो होंगी, महिलाओं उद्योजिका जो होंगी और अलग अलग प्रकार के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है उनको बहुत अच्छा मार्केट मिल सकता है। हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री है तो शुगर इस समय बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के बारे में सभी देश में लॉस मेकिंग है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर गोप्टे करके उन्होंने शुगर से फेस वॉश से लेकर हेयर वॉश, कंडीशनर, सब प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे और एक डिटर्जेंट बना है और वो डिटर्जेंट अभी इतना है कि हम लोग हिंदुस्तान में बेच ही नहीं पाते। अभी इतने ऑर्डर है कि हम लोग एक्सपोर्ट करते करते उसको हमारे पास नहीं है। अभी दुबई और रशिया में उसका प्रोडक्शन डालने का विचार हो रहा है। तो शुगर मॉलिक्यूल बेस्ड इको फ्रेंडली ये डिटर्जेंट देश वर्ल्ड में पहली बार आया। तो ऐसी बहुत से प्रोडक्ट है जो हमारे छोटे छोटे गाँव में जो बनाते हैं, और वो छोटे छोटे प्रोडक्ट को अगर आपने लोगों तक पहुंचाया तो लेयर कम होने के कारण जो बनाने वाला है उसको भी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और स्वाभाविक से लोगों को भी कोई चीज़ सस्ते में मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना यही है कि हमारा इम्पोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े। और देश में आज हमारी कोविड-19 के कारण हम लोग जो आज अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और इस कठिनाइयों पर हमको निश्चित रूप से विजय हासिल करना है। तो कोविड-19 के कारण आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है हमारे उद्योजकों के लिए, दुकानदारों के लिए अलग अलग प्रकार के अड़चनें और समस्याएं पैदा हुई है। और इसलिए होटल, रेस्टोरेंट्स, इसमें मुझे इस बार पिछले 3.5-4 महीने में अनुभव मिला कि मैंने काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, करीब 250 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की, और पहली बार मुझे पता चला कि केवल हमारी इसमें जो
महिला और पुरुष जो केवल ये ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 50 लाख से ज़्यादा है। फिर होटल में रेस्टोरेंट में काम करने वाले शेफ़ और वेटर की संख्या 1.5 करोड़ है। फिर हमारे केवल महाराष्ट्र में विशेष रूप से ये जो वेलनेस सेंटर्स बने हैं जहाँ व्यायाम सिखाने वाले लड़के लड़कियाँ हैं और लोग काफ़ी जाते हैं, उसके साथ 5 लाख लोगों का संबंध आता है। कहीं ना कहीं हमारे देश को अगर गरीबी दूर करनी है, भुखमरी दूर करनी है, तो रोजगार निर्माण करना होगा। रोजगार निर्माण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, वहाँ के रॉ मटेरियल का उपयोग करके वहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर तैयार होंगे 115 एस्पोरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उन प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद उसको अच्छा अगर मार्केट मिलता है, तो मार्केट अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से वो लोग अपने रोजगार के लिए गांव से शहर की तरफ नहीं आएंगे। तो ये जो गांव में बसे हुए लोग हैं उनको वहीं के वहीं मार्केट मिले। अभी जैसे हमारे यहाँ नागपुर में ये शुरू हुआ है कि पहले सब्जी जो थी वो होलसेल मार्केट में ही आती थी, और अभी जो सब्जी है वो कुछ लोगों पर, अभी हमारे यहाँ की सब्जी मैंने देखा है प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाज़ार है, उनके यहाँ देते हैं तो वो जीवामृत पर है, पर ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। पर जो लोग ले जाते थे उनको टेस्ट से ध्यान में आया कि ये कुछ अलग है। अब धीरे धीरे वहाँ जितना भी हम देते तो मार्केट से ज़्यादा भाव भी मिलता है और ग्राहकों को सस्ते में सब्जी मिलती है, और दोनों का भी फायदा है, विन विन सिचुएशन है। तो मुझे आपसे एक ही अनुरोध करना है कि जो ग्रामीण कृषि क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जो किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमने मार्केट देना चाहिए। आपको मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि बीच में मैं स्वीडन गया था तो जाते समय दुबई गया, और यहाँ से 2 संतरे के बड़े बड़े बॉक्सेस लेके गया, और मैं जिस होटल में था उतरा, एक दिन वहाँ मुक्काम किया मैंने, और मैंने वहाँ के प्रमुख लोगों को बुलाया और उनको संतरे खिलाए नागपुर के। तो अभी उन्होंने 2 कंटेनर का ऑर्डर दिया, और मेरी इच्छा है कि हमारे 500 कंटेनर संतरे नागपुर से जाए। तो अभी फिर हमारे यहाँ नोगा करके, नागपुर ऑरेंज ग्रोवर्स एसोसिएशन करके, हमारे किसानों ने स्थापन की हुई संस्था है, 100% ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनका टर्नओवर केवल 10 करोड़ का है, पर वहाँ के लोग इतने अच्छे, क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि उन्होंने संतरे का जो जाम बनाया है उस जाम में उन्होंने संतरे के सालों को साल भर उसको एक प्रोसेस करके शुगर में रख कर वो जाम में डाला, तो उनके जाम की टेस्ट ही एकदम अलग है। और मेरा विश्वास है कि वो जाम निश्चित रूप से वर्ल्ड में पॉपुलर होगा, ऐसा जाम कहीं नहीं मिलता। तो मैंने फिर उस समय कहा कि उनको कि मैं, आप दुबई में, पूरे वर्ल्ड में इसका मार्केटिंग करने के लिए मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, आप ज़रूर इसमें आइए। अब मैं उनको मदद कर रहा हूँ, क्योंकि नागपुर के संतरे के ऊपर जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो अगर वर्ल्ड में जाएगा तो उन संतरा उत्पादक किसानों को भाव मिलेगा। अभी हमारे यहाँ संतरे में 2 प्रक्रिया केंद्र हैं, एक हमारा संतरा प्रक्रिया पैकेजिंग का सेंटर कारंजा के पास है, एक मोर्शी में है। तो वहाँ से जो छोटा संतरा आता है वो 5 से 7 रुपए किलो बेचते हैं वो। अब वो संतरे को भाव इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसका साइज छोटा है, और बड़े वाला संतरा मार्केट में जाता है, वही पैक करके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे ब्रांडिंग होके अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो जैसे ग्रेप्स जाते हैं, बाकी फलों का मार्केट है, वैसे संतरे का भी होगा। तो उसके साथ साथ ये छोटा संतरा ये अगर हमारे नोगा जैसी फैक्ट्री में जाएगा और उससे जाम बन के अगर वो एक्सपोर्ट होगा तो 5-7 के बजाय किसानों को 10 रुपए किलो का भाव मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग करके हमारे स्थानिक प्रोडक्ट्स, बी इंडियन बाय इंडियन, यही स्पिरिट से, स्वदेशी के विचार के आधार पर हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे, तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमारे गांव, गरीब मजदूर और किसान, इन गरीब लोगों को रोजगार मिल सकता है। और मेरा आपसे और अनुरोध है कि हम 2 बातें ध्यान में रखें, 101% गुड क्वालिटी, क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दूसरी, गुड पैकेजिंग, उसका पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात जो है, डिलीवरी ऑन टाइम, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस से ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, क्वालिटी, ये सबसे बड़ा कैपिटल है,
और हमारे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं, पैकेजिंग अच्छा है, ब्रांडिंग अच्छा हुआ, तो मार्केट बड़े प्रमाण पर मिलेगा। और मार्केट एक बार अगर मिल गया तो आपको कोई चिंता नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हमारे देश में, हमारे ही गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के कल्याण के लिए और स्वदेशी के विचार पर आधारित, स्वदेशी को अपनाना है पर टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना है। टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन जितना करेंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, और इसलिए टेक्नोलॉजी जो भी बेस्ट है वो हमको, हमारे यहाँ भी आजकल काफ़ी रिसर्च होता है, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, IITs, हमारे फूड टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस, अलग अलग अनेक लोग अनेक अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, और उन्होंने रिसर्च करके अनेक प्रकार के रेसिपीज बनाई है, अनेक प्रकार के फॉर्मूले बनाए, और ये निश्चित रूप से इसमें क्वालिटी भी सुधरी है और अभी पैकेजिंग के भी नए नए बातें सामने आई हैं। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि स्वदेशी बाज़ार में जो प्रोडक्ट मिलेंगे ज़रूर, वो प्रोडक्ट रजिस्टर करने के पहले उसका पैकेजिंग, उसकी क्वालिटी ये ज़रूर चेक करिए। आपके द्वारा जो प्रोडक्ट ग्राहक जिस विचार से ले जाएगा, वो अगर क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो स्वदेशी बाज़ार इस वेबसाइट का, अगर ऐसा कि वह प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी, डिलीवरी एंड उसके साथ गुड पैकेजिंग और रिजनेबल कॉस्ट, इसके आधार पर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो स्वदेशी बाज़ार ये ब्रांड पॉपुलर होगा। ब्रांड पॉपुलर करना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम लोग इसमें ज़्यादा सोचते नहीं हमारे यहाँ, पर विदेशों में इसमें एक ब्रांड होता है। मैं अभी बीच में एक मीरा कुलकर्णी करके दिल्ली में एक महिला है, वो मुझे मिली, और वो वैसे है कर्नाटक की, मराठी भाषी कुलकर्णी नहीं है, और उन्होंने पंजाबी परिवार में उनकी शादी हुई। अब उनकी उम्र करीब 62 साल की है, पर उन्होंने उत्तराखंड के जंगलों में जाकर वनामृत करके एक ब्रांड तैयार किया, और अभी मुझे बताते हुए खुशी होती है कि उन्होंने अमेरिका में उनके ब्रांड को 5,000 करोड़ में बेचा, इतना उनका अमेरिका में प्रोडक्ट जाते हैं। तो केवल वनों में जो वेस्ट मिलता था उसके आधार पर उन्होंने उससे शैम्पू से लेकर साबुन तक अलग अलग चीज़ें रिसर्च करके बनाई और उसका नाम वनामृत किया, और अमेरिका में जो उनका मार्केट था और वो उन्होंने किसी को दिया और उसके बदले में उनको 5,000 करोड़ मिले। तो ये आप देखिए कि कोई चीज़ अभी कितनी अच्छी होती है। हमारे यहाँ नागपुर में मेरे साथ मेरा क्लासमेट था सारंग हरदास करके, बरडी में डॉक्टर हरदास थे, उनका बेटा था, वो अमेरिका में गया LIT से MTech होने के बाद, और वहाँ उसने डिटर्जेंट की फैक्ट्री डाली और आज उसकी कंपनी 40 से 45 हज़ार करोड़ की है। और इसलिए हम हमारे प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड में पॉपुलर करें, और अभी परिस्थिति ऐसी है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया, पूरा आर्थिक दुनिया के आर्थिक लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट के हिसाब से हमारे तरफ देख रहे हैं। हमारे यहाँ नागपुर में एक पीटर इंग्लैंड जो शर्ट पॉपुलर है इंग्लैंड में, वो हमारे यहाँ ऑरेंज टेक्सटाइल MSME का पार्क है, वहाँ तैयार होता है। अब मैंने उनको कहा कि आप PPE किट बनाइए, इतनी PPE किट बनी, अभी एक समय 2 महीने पहले हमने PPE किट इम्पोर्ट की थी, आज हमारे देश PPE किट एक्सपोर्ट करने के इसमें आया और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। सैनिटाइजर के बारे में ऐसा था कि एक समय उसका 1,200 रुपये लीटर भाव हुआ था, तो मैंने अनेक राज्यों में सबको, शुगर फैक्ट्री को कहा आप अल्कोहल बनाते, सैनिटाइजर बनाओ, और हमने उसका भाव 160 रुपये लीटर कर दिया। पूरा मार्केट आज 160 रुपये के, यानी 200 रुपये के नीचे आ गया, और अब आसानी से मिलने लगा। धीरे धीरे लोगों की भी ज़रूरत है, उनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ सस्ते में चाहिए, ये लोगों की अपेक्षा। और हम अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करेंगे तो ऑनेस्टी, पेशेंस एंड क्वालिटी तीनों बातें महत्वपूर्ण है, और इसके साथ पैकेजिंग, और पैकेजिंग के साथ पंक्चुअलिटी, अवेलेबल है तो उतना होना चाहिए, नहीं तो वो ऑर्डर देगा और उसको माल ही नहीं मिलेगा तो नाम खराब होगा। पर मुझे लगता है कि स्वदेशी बाज़ार ये ग्राहकों की ये सब अपेक्षाएं पूरी करेगा, और लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध होकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला बचत गट और विशेष रूप से महिला उद्योजिका, छोटे लोग, इनके क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मार्केट अगर दिलाएगा तो निश्चित रूप से एक उनको आधार मिलेगा, और इसलिए ये सही दिशा में
ये उपक्रम की शुरुआत हुई है, मुझे बहुत खुशी है। हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं, और इस साइट से निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से अब केवल हिंदुस्तान में ही नहीं तो धीरे धीरे विदेशों में भी ये साइट को पहुंचाना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत आसान काम है। फिर आपको उनको ये कहना पड़ेगा विदेश वालों को कि भाई प्रोडक्ट देंगे पर आपको 15 दिन डिलीवरी का टाइम लगेगा। फिर जो प्रोडक्ट में आपको ऐसी भी एजेंसी अपॉइंट करनी होगी कि जहाँ देश में कहीं भी लगेगा तो वो एजेंसी आपसे प्रोडक्ट लेकर उनको 8 दिन 10 दिन में पहुँचा के देगी, ताकि उसकी कॉस्ट भी कम लगे। तो इस प्रकार की एजेंसी आई है, काफ़ी जगह पर यह एजेंसी काम कर रही है, और आपका प्रोडक्ट हिंदुस्तान के भी मार्केटिंग होगा, विदेश में भी होगा। केवल उसके टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, पर इस बारे वो एजेंसी आपके लिए काम करने वाली, राज्य वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजन वाइज, देश वाइज, आप इसके बारे में भी प्लान कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो एक कमर्शियल पोर्टल है, ये हमारा स्वदेशी बाज़ार, ये लोकप्रिय होगा। इसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा, इसका ब्रांडिंग, डिज़ाइनिंग, इसके लेटर हेड्स, उन सब बातों को भी आप निश्चित रूप से उसके तरफ ध्यान दीजिए। मैं आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी पहल है, मैं हृदय से आप सबको शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ, और निश्चित रूप से ये यशस्वी होगा ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद नितिन जी। अभी मैं आभार प्रदर्शन के लिए आभा झामरे से अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद तन्वी। नितिन जी, आपने आपके एक भाषण में कहा था कि नौकरी मांगने से नौकरी देने वाले बनो, तो आज इसी बात को ध्यान में रखकर हमने यह उपक्रम शुरू किया है। वेबसाइट बनने का जब ख्याल आया था तो उसके बनने से पहले ही इस वेबसाइट का इनॉग्रेशन आपके हाथों से ही हुआ होगा, यह तय हो गया था। हमारे विनंती को जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने दी थी आपको, आपने स्वीकार किया और अभी आपके हाथों से उसका शुभारंभ हो रहा है। आपके भाषण में, आपके मार्गदर्शन में अभी आपने जो कहा था कि 100% गुड क्वालिटी पैकेजिंग और समय पे उनके पास में ये सामान जब ऑर्डर करते तब जाना चाहिए, इसका हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। आपके व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर आपने हमें मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। आपके प्रेरणादायी शब्दों ने हमारा मनोबल बढ़ाया है। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इस COVID-19 के वजह से यह कार्यक्रम वेबएक्स के माध्यम से लेना पड़ा, नहीं तो यह कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से हम लोग आयोजित कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश दिया है उसके पूर्ति के लिए एक हमारा एक छोटा सा सहयोग है। तन्वी ने पहले ही आपको स्वदेश बाजार की जन्म कथा सुनाई, तो इसी COVID-19 के चलते हुए यह बात ध्यान में आई कि क्यों ना हम भी हमारा एक स्वदेशी वस्तुओं का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोले, जहां संपूर्ण भारत भर से अपने अपने विशेषताओं से भरपूर ऐसे वस्तुओं का एक प्लेटफॉर्म हम लोग वहां ओपन कर सके। नागपुर में बैठकर साउथ की कॉफी पी जा सके, बैंगलोर में बैठकर गुजरात के खाकरों का स्वाद ले सके, राजस्थान में, कोलकाता में बैठकर राजस्थान के पापड़ का स्वाद ले सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वदेश बाजार लगभग अभी 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी लेके सामने खड़ा है। मैं एक छोटी सी घोषणा करना चाहती हूँ यहाँ पे कि यह जो हमारा स्वदेश बाजार वेबसाइट है, ये Honorable Minister for MSME, Government.